नमस्कार, मैं अनामिका बिहार की 25 खबरों के साथ। आज है 14 अक्टूबर, तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम नीतीश है पलटी मार। बिहार महागठबंधन में एक बार फिर से टूट के बाद भी नेताओं की एक साथ उपस्थिति रही, जो कि सभी नेताओं द्वारा राम मनोहर लोहिया की 52वीं जयंती पर एक साथ दिखे, जहां तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 52वीं जयंती को जुबान फिसलने पर 92वीं जयंती कह दिया, जिसके बाद उन्होंने सीएम नीतीश पर तंज करते हुए कहा कि वे पलटू राम हैं एवं उनकी वापसी गठबंधन में नहीं होगी, ना तो वे बीजेपी व आरएसएस से डरने वाले ही हैं। राजेंद्र नगर के बजाय अब पटना जंक्शन से खुलेगी कई ट्रेनें। 15 अक्टूबर से कई ट्रेनें जैसे गाड़ी संख्या 13201, 13202 राजेंद्र नगर टर्मिनल लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 12355, 12356 राजेंद्र नगर टर्मिनल जम्मू तवी राजेंद्र नगर अर्चना एक्सप्रेस अब राजेंद्र नगर के बजाय पटना जंक्शन से खुलेगी। पहले LTT एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से 11:30 पर प्रस्थान कर 11:45 में पटना जंक्शन पहुंचती थी, जो कि अब 11:35 में पटना जंक्शन पर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार अर्चना एक्सप्रेस भी पहले की तरह सुबह 7:35 में जम्मू के लिए पटना जंक्शन पर आ जाएगी। नीतीश ही हैं गरीबों व जरूरतमंदों के राहबर, JDU नेता ललन पासवान बोले। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर ललन पासवान ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार की बड़ाई करते हुए कहा कि समाजवाद, पिछड़ावाद व दलितवाद का राहबर है नीतीश कुमार, जिसके बाद उन्होंने पीएम मोदी की बात करते हुए कहा कि वे अकेले ही समाजवाद की विचारधारा को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर चल रहे हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा 22 दिसंबर से। बिहार दरोगा बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए 5,00,000 से अधिक आवेदन किए गए हैं। बता दें कि इस पद में 2064 दरोगा, परिचारी एवं अधीक्षक के पदों पर भर्ती होनी है। इन परीक्षा के लिए 1 दिसंबर से एडमिट कार्ड इसके ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। पटना में शुरू हुआ टेस्ट ऑफ इंडिया का फूड फेस्ट। पटना के होटल पार्टी पुत्रा एक जाटिका में टेस्ट ऑफ इंडिया फूड फेस्टिवल शुरू हो चुका है, जो कि 31 मार्च 2020 तक चलेगा। इसकी जानकारी होटल पार्टी पुत्रा के जनरल मैनेजर विकास कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस फेस्ट में टेस्ट ऑफ इंडिया के फूड टेस्ट का कॉन्सेप्ट देश के अलग अलग राज्यों के मशहूर व्यंजनों का स्वाद एक ही छत के नीचे पटना के लोगों तक पहुँचेगा। उन्होंने बताया कि फेस्ट में 500 रुपये के बिल पर 100 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। राजधानी पटना के सभी स्कूलों में फुल ड्रेस कोड का दिया गया निर्देश। राजधानी पटना में सभी सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों को डेंगू मच्छर से बचाव की वजह से फुल ड्रेस, शर्ट व पैंट में आने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि यह निर्देश DM कुमार रवि ने मच्छरों से एहतियात बरतने को लेकर दिया है। यह निर्देश 14 अक्टूबर से सभी स्कूलों को लागू करने व अभिभावकों को सूचित करने को कहा है, जिसके साथ ही स्कूलों में बारिश के पानी, जल जमाव को जल से निकलवा कर कीटनाशक छिड़काव करने एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान देने को कहा। एयर इंडिया ने कोलकाता, पटना, मुंबई और अमृतसर के लिए शुरू की नई उड़ानें। 27 अक्टूबर से पटना से 3 नई फ्लाइट शुरू की जाएगी, जिसमें कोलकाता, अमृतसर एवं मुंबई के लिए यह जाएगी। मुंबई से पटना के लिए AI 673 नंबर फ्लाइट सुबह 7:55 पर उड़ान भरकर 10:20 पर पटना आएगी। पटना से एयर इंडिया 725 बनकर 10:55 में अमृतसर के लिए उड़ेगी। दोपहर 1:15 में यह अमृतसर पहुंचेगी। अमृतसर से फ्लाइट नंबर एयर इंडिया 726 दोपहर 1:15 में यह अमृतसर पहुंचेगी। अमृतसर से फ्लाइट नंबर एयर इंडिया 726 दोपहर 2:55 में उड़कर शाम 5:05 पर पटना पहुंचेगी। फिर यही 5:35 पर उड़ान भरकर 6:35 में कोलकाता पहुंचेगी। बिहार व अन्य इलाकों में बाढ़ की वजह से सब्जियों के चढ़े भाव। इन दिनों बाजार में कोई भी हरी सब्जी 40 रुपए से कम की नहीं दिख रही है। बता दें कि केवल आलू के दाम ही आम लोगों की रसोई के बजट में रह गया है। इधर इसके बारे में अनेक सब्जी विक्रेता के अनुसार बाढ़ व बारिश की वजह से कई मार्ग अवरुद्ध होने से बाहर से भी सब्जियों के निर्यात नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण अधिकतर सब्जियों को बंगाल रेल मार्ग से मंगाया जा रहा है। पूरक परीक्षा में शामिल होंगे बिहार DLED के फेल परीक्षार्थी। DLED की पूरक परीक्षा 4 से 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें जितने भी शिक्षक जिन विषय में फेल हुए हैं उतने विषय की परीक्षा फिर से दे पाएंगे। इस परीक्षा से राज्य के 43,784 शिक्षकों को फायदा होगा। इसके बारे में NIOS के अध्यक्ष ने बताया है कि इस परीक्षा में पास होने वालों को 31 मार्च 2019 के अंदर ही प्रशिक्षित माना जाएगा। इसका एडमिट कार्ड नवम्बर में जारी किया जाएगा।
पटना के इको पार्क में मॉर्निंग वॉक हुआ बंद। बता दें कि बीते दिनों पटना में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलजमाव हो चुका है। इसका असर पटना के इको पार्क पर भी हुआ है, जिसे लेकर मॉर्निंग वॉक को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। पार्क प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि पानी जमने की वजह से मिट्टी अभी गीली है। पूरी तरह से मिट्टी के सूखने व मजबूत होने के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। बता दें कि इको पार्क के बीच के नाले में भी जलजमाव है। केंद्र सरकार ने वादे के मुताबिक नहीं की बिहार की सहायता। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से बाढ़ राहत के लिए 2700 करोड़ रुपए की राशि मांग की थी, जिसके बाद भारत सरकार ने महज 600 करोड़ की ही राशि दी है। इस मामले में मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने अफसोस जताते हुए कहा है कि बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिया था, लेकिन इसके बाद अब केवल 20% राशि ही दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन को फिर से एकजुट होकर काम करने की सलाह दी। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन को एक बार फिर से मनमुटाव हटाकर एकजुट हो काम करने की सलाह दी है, जिसके बाद कांग्रेस सहित कई सहयोगी दलों ने उनकी काफी सराहना की। इसके बारे में वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि उनकी ये पहल काफी सराहनीय है एवं इस कदम से सारे नेताओं को एक नई ऊर्जा मिली है। वाहनों में HSNP का INDI नंबर लगाना हुआ अनिवार्य। नए मोटर अधिनियम के तहत वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर केवल नंबर के अतिरिक्त किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, संगठन एवं प्रोफेशन का नाम या प्रतीक फोटो लगाना नियम के विरुद्ध करार किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर 500 से 2500 रुपए का चालान लगाया जा सकता है। इसकी जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया है कि ऐसे नामों व चिन्हों से अन्य चालकों का ध्यान केंद्रित होने पर कोई भी घटना होने की संभावना हो सकती है, इसीलिए नंबर प्लेट व बॉडी पर केवल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है एवं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का INDI नंबर लगाना अनिवार्य है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया NDA की जीत का दावा। सुशील मोदी ने 15, 16 एवं 17 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर NDA की जीत का दावा करते हुए कहा है कि सभी चुनावी घटक दल पूरी तरह से एकजुट हैं, जिसके बाद उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को बेलहर एवं नाथनगर, 16 को सिमरी बख्तियारपुर एवं 17 अक्टूबर को सीएम नीतीश के साथ दरौंदा, किशनगंज विधानसभा एवं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी सभाओं का संबोधन व रोड शो करेंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह से NDA के साथ है। बिहार मध्यमा परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी। बिहार संस्कृत बोर्ड के मध्यमा परीक्षा 2019 में कुल 21,620 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कुल 17,232 परीक्षार्थी प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। बता दें कि इस परीक्षा में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का रिजल्ट बेहतर रहा, जिनमें 7,925 छात्र की अपेक्षा 9,307 छात्राओं ने बाजी मारी है। मध्यमा परीक्षा 2020 के लिए भी पंजीयन व फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। पटना की जनता को 24 घंटे के अंदर कचरा मुक्त करें, पप्पू यादव बोले। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राज्य सरकार एवं पटना प्रशासन को कहा है कि अगर परेशान पटना के लोगों के बीच से अगर जल जमाव व कचरा 24 घंटे के अंदर हटाया नहीं गया तो सारा कचरा JCB से उठवाकर कमिश्नर के घर के बाहर रख दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का सुख चैन दरकिनार कर नेता व हाकिम लोग चैन से सो रहे हैं। इसके गूंगी भरी सरकार के विरुद्ध उठने पर अगर मुझे अंदर भी जाना पड़े तो मैं नहीं डिगूंगा। मधुबनी से गौतम बने KBC 11 में बिहार के करोड़पति। एक बार फिर से बिहार के बेटे गौतम झा ने सोनी टीवी कार्यक्रम KBC 11 में अगले करोड़पति बन चुके हैं। बता दें कि मधुबनी बिहार के गौतम कुमार ने 1 करोड़ की धनराशि जीत ली है। उनका घर मधुबनी जिले के गंगद्वार में है। उनके पिता का नाम अरविंद कुमार झा वरीय अधिवक्ता है। करोड़पति बनने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है एवं लोगों को इसकी जानकारी देते हुए उनके ससुर मधुबनी में मैथिली विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अरुण कुमार ने दी है। पटना नगर निगम बुडको की जगह सम्प हाउस कर्मियों को दिया जा रहा नोटिस। पटना नगर निगम एवं सीएम नीतीश कुमार के सुशासन कार्य प्रणाली ने राज्य को जल जमाव के बाद एक और झटका दिया है। बता दें कि एक सप्ताह से अधिक तक इलाके के कई हिस्से जलमग्न थे। इसकी जिम्मेदारी लेने वाले निगम ने ड्रेनेज का नक्शा ही गायब कर दिया है। इसके बाद बुडको को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी अब बताया जा रहा है कि सैदपुर, संदलपुर, योगीपुर एवं पहाड़ी सहित कई सम्प हाउस का मेंटेनेंस नहीं हुआ, जो कि नगर निगम की योजनाओं में शामिल था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बुडको पर थी, परंतु बुडको काम नहीं कर पाया। निष्कर्ष में बुडको की जगह सम्प हाउस के 22 कर्मचारियों को लापरवाही का आरोप लगाकर नोटिस दिया जा रहा है। इसमें आरोप है कि 29 तारीख को वे ड्यूटी पर थे, पर कर्मियों का कहना है कि ड्यूटी पर रहने के बावजूद उन्हें गैर मौजूद बताकर नोटिस दिया जा रहा है।
अब 15 साल पुरानी गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील करना होगा। बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए परिवहन विभाग ने 3 कंपनियों को राज्य भर में सीएनजी किट लगाने की अनुमति दी है, जिसके बारे में विभाग ने कहा है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को सीएनजी में बदलने के लिए फिट माना जाएगा। इसके लिए कंकड़बाग में डीलर पॉइंट भी बनाया जा चुका है। बता दें कि प्राइवेट व कमर्शियल बड़ी गाड़ियों को भी सीएनजी में तब्दील करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसमें किट निर्माता कंपनी को डीलर बनाया जाएगा। मेयर सीता साहू ने फजीहत से नाराज होकर लिखी चिट्ठी। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू ने नगर विकास व आवास प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि नालों की सफाई जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन इसके बावजूद भी बुडको की ओर से न तो सम्प हाउस की मरम्मत कराई गई एवं न ही बारिश के पानी के जल जमाव होने पर उन्हें चालू करवाया गया। इसी वजह से पटना के हर मोहल्ले में पानी भर गया एवं उसकी निकासी नहीं हो सकी है, जिसके बाद सीता साहू ने इनकी जाँच करने के साथ ही दोषी पर सख्ती बरतने को कहा है। पटना के जलजमाव से निपटने के लिए खर्च होंगे 500 करोड़। जिले में जलजमाव से निपटने के लिए विकास व आवास विभाग ने राज्य के 28 नगर निकाय की जीआईएस द्वारा मैपिंग करवाई गई थी, जिसके अंतर्गत मैप का उपयोग कर पटना के लिए एक प्लान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस कार्य में 500 करोड़ की राशि खर्च होगी। इस कार्य को सोमवार के दिन सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता एवं समीक्षा बैठक के बाद किया जाएगा। बिजली व संचार की शिकायत अब सोशल मीडिया के जरिए भी होगी। कार्यालय जाकर या टेलीफोन पर बिजली खराबी की शिकायत करने वाले उपभोक्ता अब सोशल मीडिया पर शिकायत कर सकेंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जल्द ही बिजली कंपनी ने फेसबुक व ट्विटर अकाउंट बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद शिकायत एवं समाधान बिजली कंपनी के साथ केंद्र सरकार भी नजर रखेगी। बता दें कि पिछले महीने केंद्र सरकार की हुई बैठक में बिजली उपभोक्ता की ओर से आने वाली शिकायतों पर समीक्षा की गई थी। पटना के स्कूल में चल रही ईमानदारी की कक्षा। पटना जिला के चेक बैरिया स्थित ग्रामीण प्लस टू विद्यालय में चल रही ईमानदारी की पाठशाला, जिसमें बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसके तहत कलम, पेंसिल व अन्य पाठ सामग्री उपलब्ध होती है। जरूरत के अनुसार बच्चे सामान लेते हैं एवं उनका जितना मूल्य होता है उतने ही पैसे वे बॉक्स में डाल देते हैं। जो बच्चे ईमानदारी दिखाते हैं वे इसका मूल्य देते या फिर सामान लेकर चले जाते हैं। इसके पकड़ में आने पर ईमानदारी की सामूहिक कक्षा आयोजित की जाती है। महात्मा गांधी की याद में लगेगी प्रदर्शनी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर सोमवार से एएस कॉलेज कैंपस में 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसके लिए पंडाल भी बन चुके हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन 18 अक्टूबर तक किया जाएगा। बिहार में रिसर्च वर्कर्स को दिया जाएगा बढ़ावा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च वर्कर्स को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए आयोग ने रिसर्च की गुणवत्ता को लेकर भी शिक्षा विभाग को पत्र लिख आदेश दिया है कि शोध की गुणवत्ता में चयन, प्रमोशन, क्रेडिट आवंटन और शोध डिग्री प्रदान करने के मामले का सख्ती से अनुपालन करवाया जाए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।